Brought to you by Union Enzyme. जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ खाना बचाओ। और इस बार कमल गट्टो की जमानत जब्त होने वाली है और साइकिल तेजी से दौड़ रही है। हम लोग बेरोजगारी और शिक्षा के नाम पे वोट कर रहे हैं, किसी धर्म किसी मंदिर के नाम पे वोट नहीं कर रहे हैं। जो उनका बीजेपी वालों का एजेंडा था, मंदिर मस्जिद, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग एकदम विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं, माननीय जी के निर्देशानुसार वोटिंग कर रहे हैं और बम्पर वोटिंग हो रही साइकिल। उनका है ही कौन, कोई है भी तो नहीं आगे पीछे उनके, आगे ना तो पीछे बगैर देखे पीछे रोवे का था, वही हाल उनका है। जो समझ बचपना में चाय बेचा, ठीक है, जवानी में बीबी छोड़ी, बुढ़ापा में देश बेच रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम मतदान कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। पांचवें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भी मतदान की प्रक्रिया सुबह से शुरू है, लेकिन इस वक्त खड़े हम उस गांव में जो कुंडा इलाके का है और यहाँ पर लोगों की जो रुझान है सुबह से वोटिंग में, आप देखेंगे हम उस गाँव में हैं जहाँ पर राजा भैया यहाँ के विधायक भी हैं, और आप देखेंगे इस गाँव में अधिकतर लोग खड़े हुए हैं, अपने अपने वोट डालकर भी आ चुके हैं और लोगों में, ऐसे में हम समझेंगे कि आखिरकार इस बार मूड क्या है और क्या लगता है कौन पार्टी हिट हो रही है, कौन फिट, और राजा भैया फैक्टर कितना कारगर है। क्या भैया यहीं के हैं? जी हाँ, यहीं मतदान कर लिया आपने? हाँ, कर लिया। क्या लगता है किन मुद्दों पे किया इस बार? संविधान बचाना है, विकास के लिए किए मतदान। यहाँ कुंडा में किस तरह का विकास हुआ है? और कुंडा में अच्छा विकास हुआ है। बहरहाल तो अभी जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनसे कितनी उम्मीदें हैं? उनसे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है, फिलहाल जो आने वाले सांसद हैं उनसे बहुत अच्छी उम्मीद है। उनसे उम्मीद है? जी हाँ। क्यों, उनसे आखिरकार की उम्मीद है? युवा है, युवा का दर्द समझेगा और विकास करेगा। विकास करेगा। क्या लगता है इस पूरे इलाके में, राजा भैया के इलाके में यहाँ के विधायक भी हैं, यहाँ पर राजा फैक्टर कितना कारगर है? जी बहुत अच्छा है, उनका फैक्टर बहुत ठीक ठाक चल रहा है। और इस बार कमल गट्टो की जमानत जब्त होने वाली है और साइकिल तेजी से दौड़ रही है। हम लोग बेरोजगारी और शिक्षा के नाम पर वोट कर रहे हैं, किसी धर्म किसी मंदिर के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं। जो उनका बीजेपी वालों का एजेंडा था, मंदिर मस्जिद, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग एकदम विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं, माननीय जी के निर्देशानुसार वोटिंग कर रहे हैं और बम्पर वोटिंग हो रही साइकिल पर। आपने युवाओं की बात करी है जी, युवा किस तरह कह रहे हैं कि ठगा गया है और क्यों? हर तरह से ठगा गया है, सरकार नौकरी ना देने के लिए पेपर खुद लीक करवाती है, वैकेंसियां सारी रोक के रखी है, और सरकार के मंत्री के बेटे खुद ही पेपर लीक करवाते हैं। इसका सबूत भी मीडिया के पास भी है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, प्रशासन पूरी तरह से बिक चुका है, मीडिया बिक गया है, आप अपने चैनल में पूरा दिखाते भी नहीं है, ये दिखाते, मतलब क्या कह रहे थे भैया, क्या लगता है किन मुद्दे पे वोट है, क्या कह रहे थे भाई किन मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं? संविधान के मुद्दे पे वोटिंग हो रही है, जिस तरह की यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे यहाँ राजा भैया का बहुत बड़ा योगदान रहता है, हम लोग राजा भैया को जननायक के तौर पे जानते हैं, इसलिए हम लोग जिस भी प्रकार पे राजा भैया बोलेंगे, जहाँ भी बोलेंगे, हम लोग वहाँ पे वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल हम लोग साइकिल का सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर मतलब अच्छा, मतलब क्या कह रहे थे आप भैया? मैं कुछ नहीं कह रहा, मतलब कुछ कहेंगे नहीं, आपको कोई समस्या नहीं है आप लोगों की? बेरोजगार है, 10 साल से हो गया, क्या उम्मीद कर, 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल दे के सोच रहे पेट पाल ले, उससे पेट पालेगा क्या किसी का? अरे मैं देता हूँ नरेंद्र मोदी को 5 नहीं 10 किलो दूंगा हर महीने, वो चलाए अपना घर, लेकिन उनका है ही कौन, कोई है भी तो नहीं आगे पीछे उनके, आगे ना तो पीछे पगा देके पीछे रोवे का था, वही हाल उनका है। जो समझ जी, बचपना में चाय बेचा, ठीक है, जवानी में बीबी छोड़ी, बुढ़ापा में देश बेच रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम मतदान कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। मतलब आप समझिए लोगों का विरोध है कई लोग, क्या भैया किन मुद्दों पे, क्या लगता है कि इस बार चुनाव बचाने के मुद्दे पे वोट हो रहा है, राजा भैया के निर्देश पे वोट हो रहा है? क्या कहते हैं आप? राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिधर कहेंगे उधर वोट पड़ेगा। किस मुद्दे पे वोटिंग की आज आपने भाई? राजा भैया क्या कहते हैं, राजा भैया क्यों जरूरी है यहाँ के लिए? राजा भैया क्यों जरूरी है? मसीहा है, हर क्षेत्र में जो है, हर आदमी के दुख सुख में है, वो दुख सुख में, बाकी यहाँ कोई आता नहीं जो है। क्या कह रहे थे आप अभी, कुछ कह रहे थे किंग मेकर, किसको कह रहे थे? राजा भैया। क्यों, वही बना है, क्यों किंग मेकर है, क्यों आखिरकार? हमारे जी जी इसने रखते हैं और क्या? जी जी मतलब आप समझिए ये वो गांव है जहां पर राजा भैया यहां के विधायक भी हैं
और यहाँ पर लोग देखेंगे सभी लोग ने मतदान का प्रयोग कर लिया है। क्या बाबूजी मतदान कर लिए बाबूजी? कुछ नहीं जानते, मतलब आप समझिए सीधे तौर पर कह रहे हैं हमको जो करे के है वही करेंगे। क्या भैया किस मुद्दे पर वोट किया आज आपने? बस संविधान बचाना है। संविधान संविधान को खतरा क्यों नजर आ रहा है आपको? बस नजर आ रहा है, सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों के लिए बेरोजगारी है। आप युवा हैं, किस तरह से झेल रहे हैं चीजों को? बहुत दुर्गति है। तो क्या चाहते हैं आप? बस बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन। मतलब अब की बार बदलाव चाहते हैं जी। मतलब आप समझिए ये राजा भैया का चुनावी क्षेत्र है और कुंडा जिसे कहते हैं, इसके सीख सामने पोलिंग बूथ है। कौन सा पूर्णिमा गांव है, यहाँ पर भी लोगों का बहुत चलता है और ऐसे में बहुत से मुद्दे हावी हैं लेकिन फिर भी चल रहा है। क्या भैया किन मुद्दों पे इस बार वोट कर रहे हैं आप? इस बार विकास के मुद्दे पर, युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है। जो भी चल रहा है सब वोट दे रहे हैं क्योंकि नई सोच, नया सांसद, युवा सांसद, सब युवाओं का मिलेगा ना, इसी मुद्दे पर वोटिंग की जा रही है। मतलब मुद्दों पर दिया था, क्या कहते हैं सर किन किन मुद्दों पे आज वोटिंग कर रहे हैं आप लोग? विकास क्या यहाँ पर नहीं हुआ है? विकास मतलब आप समझिए राजा भैया का चुनावी क्षेत्र है, कहते हैं कि यहाँ विकास खूब हुआ है। आप देखेंगे उसके इस गांव के ठीक सामने पोलिंग बूथ भी है जहाँ पर पुरमेऊ गांव है जिसका कुंडा में लगता है, यहाँ पर वोटिंग चल रही है। ऐसे में लोगों का जो मतदान का रुझान है सुबह से जारी है और का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों का यही कहना, हम लोग विकास के मुद्दे पे कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर राजा भैया फैक्टर इस विधानसभा सीट में यानी लोकसभा कौशाम्बी की कुंडा विधानसभा में काफ़ी हावी नज़र आ रहा है। आनंद राज, यूपी तक, प्रतापगढ़।